मेरा नाम है कपिल, मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 18 के अंदर अभी मैं खड़ा हूँ। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं लोकेशन जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे बैक साइड में जो ये आप देख रहे हैं प्लॉट, ये सेक्टर 18 के 7A पॉकेट के प्लॉट हैं। और ये जो एरिया है ये देखिए आप एक बार राइट साइड में मेरे, ये 7A पॉकेट के प्लॉट है। सबसे पहले मेन रोड है, 24 मीटर की रोड है, उसके बाद डायरेक्ट एंट्री होती है 24 मीटर से, और कुछ प्लॉट का फेसिंग 24 मीटर के ऊपर है, कुछ प्लॉट का फेसिंग अंदर 12 मीटर के ऊपर है। साथियों ये तो मैं आपको एक डेवलपमेंट दिखाया कि इस तरीके से यहाँ पे प्लॉटिंग हो रखी है। 12 मीटर रोड है ये, सामने देखो आप, ये 12 मीटर की रोड है। इस 12 मीटर की रोड पे दोनों साइड को फेस करते हुए प्लॉट है। साथियों मिनिमम रोड 12 मीटर की है। हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको यमुना एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट दिखाते रहते हैं हमेशा, और आज ऐसे ही 7A पॉकेट के अंदर अभी हम आए हैं साथियों। और 7A पॉकेट के बाद जो आगे की पॉकेट से स्टार्ट होती है, आई पॉकेट है, जे पॉकेट है, उसके बाद अंदर 5A पॉकेट है, तो सबसे पहले 7A पॉकेट आती है। 7A पॉकेट के अंदर अगर हम एक 300 मीटर का प्लॉट लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 82 लाख के आसपास मिलेगा। साथियों काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, और जब से 10 मार्च को रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से लोगों का रुझान बढ़ा है यमुना एक्सप्रेसवे को लेके, और रेट में भी काफी ग्रोथ आई है। मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर आपको यमुना में इन्वेस्ट करना है तो आप देरी ना करें, आप संकोच ना करें कि हम यहाँ इन्वेस्ट करें या ना करें। साथियों यमुना एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक हब बन चुका है। आप रेजिडेंशियल में ले लें, आप इंडस्ट्रियल में ले लें, या फ्यूचर के आने वाले रेजिडेंशियल में ले लें। अभी जैसे स्कीम का जो ड्रॉ होने वाला है वो 18 और 19 अप्रैल को होगा, तो उसके बाद भी यहाँ काफी ग्रोथ आएगी। तो जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको परचेज करना है, वो अभी यहाँ परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप मान सकते हैं कि 17,500-18,000 फॉर्म लोगों ने फिल किए हैं और केवल 400 प्लॉट हैं। साथियों उन 400 प्लॉटों के बाद जब ड्रॉ में उनका नंबर नहीं आएगा तो वो इन्वेस्टर होगा वो मार्केट से रीसेल में परचेज करेगा। साथियों तो इसलिए अभी हमारे पास समय है 15-20 दिन का, 15-20 दिन के अंदर जब हमें परचेज करना है तो हम रीसेल में परचेज कर सकते हैं। हम रेट की बात करें तो रेट आपको कम से कम 75-76 लाख रुपए से प्लॉट शुरुआत है, और आपका 1 करोड़ रुपए तक का 300 मीटर का प्लॉट आ रहा है। साथियों तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी पीछे वाली जितने भी वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। उन वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि जैसा हम शुरू से गाइड करते आ रहे हैं उस गाइडेंस के हिसाब से बिल्कुल मार्केट चल रही है। साथियों और हमारे अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत जानकारी उस पर ऐसी मिलेंगी जो हम पहले आपको वीडियो में बताते थे, आज वो चीज प्रैक्टिकली हो चुकी है। साथियों इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में आपका काफी इंडस्ट्री लग चुकी है, जिनमें एक एशियन पेंट अभी रन भी हो चुकी है और बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियां हैं। साथियों यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप बिल्कुल देरी ना करें, क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो आप काफी महंगाई के साथ यहाँ पे प्लॉट परचेज करेंगे। साथियों क्योंकि काफी कस्टमर ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अभी रेट बढ़ चुका है, अभी नहीं खरीदें, ये डाउन होगा जब खरीदेंगे। आप मेरे को कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जिसमें आपको ये लगता है कि अब रेट डाउन हो सकता है। साथियों अब एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट पे आप देखेंगे कि लगभग 45-50% बाउंड्री वॉल का काम हो चुका है। 17 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल में आप 45-50% काम हो चुका है, तो लगभग आपका 7-8 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल अभी प्रॉपर बन चुकी है, और टावर का काम अलग चल रहा है। हम जल्दी से जल्दी आपको एयरपोर्ट की भी वीडियो देंगे साथियों। और अभी मेरा सिर्फ उन लोगों से कहना है जो अपने अभी घर में हैं, अभी सोच रहे हैं हम वेट करके परचेज करेंगे, तो आप सोचेंगे फिर पछताएंगे, इसलिए आप डिले ना करें, क्योंकि आपको परचेज करना है तो आप ये माने 25,000-26,000 रुपए मीटर का कोई रेट नहीं है अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे। और आपसे ये मैं वादा करता हूँ कि आने वाली 5 साल के अंदर ग्रेटर नोएडा और यहाँ के रेट आपको मैच करके मिलेंगे। जो 5 साल में ग्रेटर नोएडा और यमुना के रेट आपको बिल्कुल मैच करके एकदम बराबर मिलेंगे, और फिर उसके बाद जो रेट की ग्रोथ होगी वो पहले यमुना एक्सप्रेसवे की होगी।
साथियों आप इस सिटी को किसी सिटी से कंपेयर ना करें, क्योंकि ये सिटी वो सिटी बनने जा रहा है जहां पे कनेक्टिविटी का तोड़ नहीं होगा। आपका यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेयर, एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, पोर्ट टैक्सी, इस तरीके की यहां पे कनेक्टिविटी होगी। इसलिए आप यहां परचेज करें और यहां से आगे फ्यूचर में आप अपना घर भी बना सकते हैं और आप यहां से एक अच्छा रिटर्न लेके भी निकल सकते हैं। साथियों यमुना एक्सप्रेसवे पे एक रेजिडेंशियल, एक इंडस्ट्रियल, अभी रेजिडेंशियल एक साफ सुथरी इन्वेस्टमेंट है और आप 300 मीटर से लेके 4000 मीटर तक का प्लॉट आप परचेज कर सकते हैं। यहां पे 300 मीटर का प्लॉट कम से कम 75-76 लाख रुपए में आ जाता है और 1 करोड़ रुपए तक का भी प्लॉट आपका है। जैसे 24 मीटर रोड रजिस्टर्ड प्लॉट है या कॉर्नर रजिस्टर्ड प्लॉट है तो 1 CR तक आपको प्लॉट मिल जाता है 300 मीटर का। 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर तक के प्लॉट हैं। तो आप यहां इन्वेस्ट कीजिए और बस मेरा यही कहना है कि आप डिले ना करें, आप देरी ना करें। आप डिले करेंगे, आप देरी करेंगे, आपको महंगा प्लॉट मिलेगा फ्यूचर में। तो आप अभी इन्वेस्ट कर दीजिए और इन्वेस्ट करने के बाद आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। जैसे जैसे यहाँ इंडस्ट्री, जैसे जैसे एयरपोर्ट रन होगा, एंड यूजर का यहाँ आवागमन होगा, तो उससे रेट आपको ग्रोथ काफी मिलेगी रेट में, क्योंकि यहाँ किसी के भी गुणा भाग काम नहीं करते हैं। ये अपने हिसाब से जो लोग इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे मार्केट ग्रोथ करती है। साथियों हम इसी तरीके से आपको डेवलपमेंट दिखाते रहते हैं। एक मैं आपको सैंपल दिखा दूं कि किस तरीके का यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है। साथियों जैसे ये 12 मीटर की रोड है और इधर भी ये देख रहे हैं आप राइट साइड में, ये 12 मीटर की रोड है तो दोनों साइड में ये आप देख रहे हैं ग्रीन, ये मार्किंग हो चुकी है, दोनों साइड में प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है। 300 मीटर का प्लॉट का जो आपका डायमेंशन है वो 12x25 का डायमेंशन है, मतलब आप 40x80 का 1x2 का आपको प्लॉट मिलेगा। और प्लॉट की जो लोकेशन है काफी अच्छी पॉकेट है, काफी तरीके से इन्होंने डेवलप किया है। अभी का तो यही डेवलपमेंट है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के हिसाब से जल्दी लोग यहाँ अपना कंप्लीशन बनाना शुरू करेंगे। साथियों मेरी एक बार आपसे लास्ट गुजारिश है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ पे जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे आपको लगेगा कि भाई हम ऐसा ना है अभी ज्यादा महंगाई होगी, अभी सस्ता होने का कोई एक ऑप्शन नहीं है आपके पास कि मार्केट सस्ता हो सकता है। मार्केट यहाँ से ग्रोथ करेगा और ये जो डेवलपमेंट है ये आगे की तरफ बढ़ेगा साथियों। इसलिए आप जितना जल्दी होगा आपको अच्छे से अच्छे रेटों में और कम से कम रेटों में प्लॉट मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको महंगाई के साथ प्लॉट मिलेगा साथियों। साथियों यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड हम ऐसे ही आपको डेवलपमेंट की वीडियोस देते रहेंगे, आपको रेट्स के बारे में बताते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमारी कंपनी के दोनों नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9873442971, दूसरा नंबर है 9667519002। हम आपको वीडियोस देते रहेंगे, आपकी कोई क्वेरी हो हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस अथॉरिटी के ग्राउंड फ्लोर पे है साथियों। अभी हम कल मिलेंगे किसी दूसरी